गुड मॉर्निंग सारियां नूं, किवें हो सारे? होप सारे चढ़दी कला दे विच होंगे। सारियां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। ते आ बुला रहे है बूजो थोनू सारियां नूं गुड मॉर्निंग। सानूं तां 5:30 बजे ही बुला दिंदा, बहुत तंग करदा। देखो की हाल कीता पिया, ते रूम दा भी की हाल होया पिया। देखो भुचाल आया पिया, बंदा एक दिन घरों चला जावे ना, मतलब लेडी स्पेशली एक दिन घरों चली जावे ता घर दा आ हाल बन जांदा। मतलब मेरे घर दा आ हाल बनिया पिया, तुसी चेक करो भी बस होई पई है। देखो चादर किथे पई है, क्योंकि अमन कल्ले सीगे, टॉवल किथे पे है, सारा कुछ मैस होया पिया है। ते इत्थे मैं अपना थोनू दिखाउण जा रही हां बाथरूम, जिहड़ा मैं अपना बाथरूम मेकओवर कर दी हां, क्योंकि मैनू बहुत शौक है भी डेकोरेट करके चीज़ रखन दा, है ना। इत्थे मेरा बाथरूम मेनटेनड है। आ मैं बहुत सोहणे मिंत्रा तो नहीं, ओह तो फ्लिपकार्ट तो मंगाई सी, ओह फिशेज़ है ना, ते ओह फिश चिपक जांदी है कंध नाल, आपां ओहदे तो ओहदे ओह सोप केस है। ते आ अपना वॉशरूम है, इदां मैं मैट रखदी हां। मैनू तां बहुत मतलब ऐ हुंदा बाथरूम नूं ऐन सजा के रखां। आ हनीत दा पॉट पिया, क्योंकि ओहनूं हुंदा भी मेरा भी पॉट होवे, फिर ओहनूं इमीजिएटली असीं पॉट लिया के दित्ता भी शायद ओह सिख जावे, है ना, पॉट ते बैठना। पर ओह नहीं सिखी, ओह डायपर ही लगाउंदी है। ते इत्थे अपनी बकेट पई है, इहदे विच आपां कपड़े धोण वाले रखदे हां। आ अमन दा टॉवल आ, नाल चल रिहा सी हल्का हल्का म्यूजिक, इंजॉय कर रहे सीगे आपां। मतलब फाइनली मैं कम करती हाँ तो मैं इंजॉयमेंट ना करती हाँ, मैं बोर होके नहीं कर सकती। इतने अपन नहा धो के होके रेडी तो निकल गए अपनी गड्डी लैके, थोनू भी राइड इंजॉय कराने। तो देखो मैं जा कितने रही हाँ, एक्चुअली ना मैनू कम सीगा, मैं नाल मेरी कजन नू लिया, तो वह हले संघ दी फेस रिवील नहीं करती। आ विक्ट्री साइन, ते सारियां नू हमेशा चढ़दी कला विच रहो, हमेशा विक्ट्री च रहो। ते मैं इत्थे आपां पहुँच गए सी जिथे आपां फाइनली जाना सीगा। ये मेरे मम्मा दे फ्रेंड ने आंटी, ते ये आंटी कोलों ना समान फड़ना सीगा थोड़ा जा मम्मी दा, मेरे मम्मा दे, नॉट मदर इन लॉ, मेरे मम्मा दे फ्रेंड ने आंटी विजय आंटी, ते इन्हां तो मैं थोड़ा जा समान फड़ना सीगा, तां करके फिर मैं नाल चल अपनी कज़न नूं लै लिया। मैं कहा चल भी मैं कल्ली कित्थे जाऊँगी, ते फिर असीं निकल गए। इमीजिएटली साडा प्लान बन गया भी हाईवे ते गेड़ी ला के आउने आ, गेड़ी रूट, क्योंकि मौसम बहुत सोहणा सी। आ देखो मौसम किन्ना औसम है, मौसम औसम, ते प्लेजर बहुत प्लेजेंट वैदर सीगा। मैं क्या चल सिमी गेड़ी लगा के आने आ, ते असी गेड़ी लाउण गए। वैसे तो मेरा फास्ट सीगा, मेरे च हिम्मत नहीं सी भी असी गेड़ी ला के आईए, पर ओनू बहुत शौक हुंदा। फिर असी फाइनली कित्थे गए, आ देखो असी पहुँच गए मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स पहुँचे तो मैं तो कुछ खा नहीं सकती सी, क्योंकि मेरा फास्ट सीगा, ओनू बर्गर दवाता। मैं च पहुँच गई ब्रिस्ता, लाइक आई लव कॉफी, ब्रिस्ता दी कॉफी फ्रापे आई लव इट। ते ओ मैं उन्हां नूं ऑर्डर कीता, ते ओ कुड़ियां बेचारियां कहिंदियां वी दीदी साडा फेस ना लियायो, कई शाय करदे हुंदे ने। इत्थे आपां फाइनली कॉफी लै के फिर कार दे विच पहुँच गए, ते इंजॉय भी किया अज का दिन। पर अज का दिन बिजी भी बहुत सीगा, आ देखो फिर काम नू लग गए आ के कॉफी कूफी पी के, क्योंकि कॉफी पीन नाल ना उहदे विच कैफिन हुंदी है, अपने दे विच एनर्जी आ जाती है, उहदे करके फिर बंदा चलो काम करदा जा फिरी जांदा। मैं तां जद भी कोई फास्ट करदी हाँ तां मैं कॉफी जरूर लैनी हाँ, सो दैट भी बंदे च एनर्जी रहे, ये ना होवे भी मेरा एनर्जी लैवल डाउन हो जाए, है ना। ते क्योंकि काम भी करने ही ने, घर के काम आपां नहीं करने, होर किने करने, क्योंकि बदल आ गए सी, मैं फटाफट तां ही कपड़े चके। ते इत्थे अज मेरी थोड़ी जी हेल्थ ठीक नहीं, तां करके मैं क्या चल रेस्ट कर लैने। मैनूं ना चक्कर आ रहे सीगे फास्टिंग करके ना, मतलब चक्कर आउण लग जांदे हुंदे ने, बीपी लो हुंदा एक्चुअली मेरा। आ हैगा 4 बजे दा टाइम, आपां जिवें 4 बजे चाह दुध वगैरह पी के, मैं चाह दुध पीता सी, अमन ने शेक पीता सी, असीं लग गए दोनों मियाँ बीबी कम करन। अमन कहिंदे मैं तेरी हेल्प कराऊंगा, है ना, भी तू भिंडियां मैनूं सका के दे, मैं भिंडियां कट दूं। उन्हां नूं ना आपां मतलब सब्जी सुब्जी कट्टण दा भी बहुत शौक है, ते हाँ मैनूं ऐदा नहीं, किचन च भी मेरे नाल हेल्प करा दिंदे ने, भांडे भुंडे धोवा दिंदे ने, अदरवाइज़ बस सब्जी सुब्जी बनाउणी नहीं आउंदी, ते ना ही फुलके फलके लाउणे आउंदे ने, ओह कम नहीं आउंदा, ना चाह भी नहीं ईवन बनाउणी आउंदी हैगी। पर जिहड़े आ निक्के मोटे कम हुंदे ने सब्जी सुब्जी दे, ये मेरे नाल करा दिंदे ने। हुण कहिंदे मैं मूहरे नहीं आउणा हैगा, भी मैं नहीं दिखाउणा हैगा भी मैं तेरे नाल सब्जी कटा रिहा, ते बट इट्स ओके। हाँ पर मेरे नाल बहुत हेल्प कराउंदे ने, इदां नहीं हैगा, ही इज़ वेरी हेल्पफुल ते कोऑपरेटिव ने,
हनीत का भी जिन्ना होंगे जिमें कोई नवाना धवाना या उहदा डायपर चेंज करना ये कर देंगे ने। इदा नहीं है भी हाँ कमल आऊगी तो करूगी, जे मैं किचन चा या मैं कोई काम कर रही हाँ या मैं बुटीक ते हाँ तो इन्होंने वो हैल्प कर देनी है, मतलब ये नहीं बच्चे दे जे कपड़े बदलने ने या कुछ करने। कई होंगे ने ना भी वेट करते रहते हैं भी हाँ भाई जनानी आऊगी तो करूगी, अदरवाइज बैठे देखी जाते हैं, पर नहीं ये हनीत का ईवन डायपर कुछ भी हो वे, सारा हनीत की जिम्मेवारी तो यह पूरी सांभते ने। मैनू इदा नहीं है, मैनू कोई एनी टेंशन नहीं होंगी जे मैं हनीत नू कल्ली छड़ के भी जाना पवे। तो इतने असं कुछ डिस्कस कर रहे थे, मैं इन्हों ये दिखा रही थी, मैं क्या भी आ हिसाब किताब है बुटीक का भी आ कोरियरस आप देने ने, आ कोरियरस आप रेडी करने ने, है ना। फिर एक्चुअली मैनू हिसाब किताब दसना पैंदा है सानू, असी दोनों ने शुरू तो यही रख्या होया है क्योंकि भी असी शुरू तो यही एक दूजे नू शो कर दिया भी तुसी मेरे तो गल नहीं कोई लुकानी, मैं थोतों कोई गल नहीं लुकानी, चाहे ईवन वह बुटीक की होवे असी एक दूजे नू सारा हिसाब किताब या कोई बार जिहड़ा हिसाब किताब है कोरियर दा या कोई पेट्रोल पवाना या कुछ भी निक्का मोटा हिसाब किताब भी है ना वह भी असी एक दूजे नू दसदे आ। जे मैं ईवन सूट लैके आनी हाँ या कुछ भी लैके आनी हाँ वो मैं अमन नू दिखाउणा है, पहला मैं दिखाउणा है भी अमन सोहना है या नहीं सोहना। एक्चुअली इन्हां नू शौक भी हुंदा है ते इन्हां नू ये हुंदा है भी जिहो जिहा सूट तू आप लैके आई हाँ उहो जिहा हनीत लई भी लैके आ, तो वह चीज़ का थोड़ा मैटर है। इन्हों शौक है भी हर चीज़ जी कोई नवी आँदी है तो मैं देखा घर के दे है ना, चाहे वह ईवन सूई क्यों ना हो, सूई सूट तो बहुत दूर की गल सूई भी हो भी इन्हों होंगे भी अपने घर च एक दूजे को फैमिली मैंबरस में पता होना चाहिए, है ना। तो यह बहुत बोरिंग डे शुरू हो चुके हैं, बहुत बिजी डे होंगे मंडे, मंडे तो वह हाल होंगे मेरिया भैन मेरे ना दस्यो कमेंट करके सारे नाल यही होंगे जिमें बच्चों नहीं समर वेकेशनस तो बाद हॉलीडेज तो बाद स्कूल जाना नैक्सट डे औखा लगता है, उमें मैनू तो ना संडे कट के मंडे नू काम करना इन्ना औखा लगता है, मतलब मैं दस नहीं सकती हैगी। मैनू भी यही लगता हुंदा भी जिवें छुट्टियां कट के बंदा नैक्सट डे स्कूल जांदा ना भी जी नहीं करता हुंदा, अज मैं इन्ना औखा उठी इत्थे मेरे जिहड़े सट वजी सीगी है ना हथ ते उहदा सारी स्किन उतर चुकी है ते असी इत्थे हुण लड़ रहे हाँ। मैनू लगता किसी गल पिछे ये नहीं, मैनू पता किहड़ी गल पिछे असी बैठे बैठे लड़ भी बहुत छेती पैंदे आ, ये नहीं हैगा असी कोऑपरेटिव ही हाँ ते असी लड़ भी बहुत छेती पैने है ना, ते ओ सारे हसबैंड वाइफ दे विच हुंदा इदा नहीं हैगा। ते इत्थे मेरी शुरू हो गई प्लांटिंग, ते इत्थे भी हुण असी लड़ाई दी गल कर रहे हैं जिहड़ी असी पहला लड़ रहे सीगे, मैं कहा बस मेरे नाल ना बुलाओ मेरे नाल ना गल करो, ते फिर लेडीज़ कोल तां यही हुंदा भी बस मैनू बुलाओ ना या मेरे नाल कोई गल ना करो, वह देखो किवें डोर मार के गए ने, गुस्सा तां इन्हां च भी बथेरा इही जी गल नहीं हैगी। ते पर ठीक है जो एक बंदा गुस्सा करता तो दूजे नू चुप कर जाना चाहिए, यही रिलेशन हुंदा, यही रिलेशन दा फैक्ट हुंदा, ता ही थोड़ा रिलेशन बचिया रहिंदा, ता ही थोड़ा रिलेशन लोंग टाइम चल सकता। जे एक नू गुस्सा है तो दूजा भी गुस्सा कर जूगा तो फिर उत्थे तां खड़का दड़का शुरू हो जाना, उत्थे फिर कदे भी रिलेशन अगे नहीं वधदा और कदे भी रिलेशन लोंग टाइम नहीं चलता हैगा। हुण इत्थे भी साडी कोई बहसम बसाई हो रही है और ये मैनू नहीं याद हैगा भी किस बहसम बसाई हो रही है, असी शायद कलू किसी गैसट दे जाना सीगा किसी रिलेटिव्स दे घरे जाना पता लैण, उहदी गल चल रही है भी मैं जाना कि नहीं जाना। मैं ये कह रही थी, मैं कहा मैनू तो कोई नहीं घर दी कोई गल दसदा, सारे आप करी जाते हैं, बस मैं ऐ कहनी हुन्नी बस खिज जाते हैं, हाँ तेनू नहीं कोई गल दसदा ये है वो है, है ना। लिटरली हसबेंड्स इदा दे ही होंगे ने, हसबेंड्स थोड़ी जी नोक चोक तो वधिया लगती है रिश्ते दे विच, है ना। जे आप कल्ला प्यार ही दिखाई जावे तो वह तो भी बंदा बोर हो जाता, इस करके लड़ाई झगड़ा तो बहुत जरूरी है रिश्ते दे विच, वो चलना भी चाहिए। इत्थे मैनू सीगा भी चल मैं थोड़े थोड़े ना प्लांट्स कट्टदा जिहड़े सुके लीव्स ने, ड्राई लीव्स कहिंदे वैसे भी प्लांट्स की, यह वास्तु टिप दे रही हूँ हुण मैं थोनू भी ड्राई लीव्स या ड्राई प्लांट्स रखने नहीं चाहिए, उन्होंने जो कोई ड्राई टाणी हो जाए या ड्राई पत्ते होण तां उन्हां नूं ना टाइम टू टाइम कट देना चाहिए, तो फ्रैश लगते हैं प्लांट्स, फ्रैश तो लगते हैं तो ये नाल ना मतलब थोड़े घर की बरकत का भी पता लगता है। हुण मैं थोनू दसदी हाँ मेरे नाल एक्सपीरियंस होया सीगा जदों अमन बीमार होए ने, यह लास्ट 6 मंथ्स की गल है, जदों अमन बीमार होए ने मेरी तुलसी बिल्कुल सुक गए सीगे, मेरी तुलसी जी बिल्कुल सुक गए सी और मैनू पता सीगा भी मेरे घर कोई कष्ट आने वाला है और की आने वाला है ये मैनू पता नहीं सी, पर ये प्लांट्स थोनू इत्थे हो गया सीगा बूजो दी वॉक दा टाइम, ते देख लो इनू ना पौड़ियां नहीं उतरनियां आउंदियां,
ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰਲੇ ਟੈਰਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਇਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੌੜੀਆਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹੀ ਬੋਰਿੰਗ ਮੰਡੇ ਬੋਰਿੰਗ ਰੂਟੀਨ ਸੱਚੀ ਮੰਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ 24 hours and 7 days ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੈ ਲਈਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਸੰਡੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਕਚੁਅਲ ਜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸੀ ਅਮਨ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰੋਸਰੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਨਮਕ ਦੇ ਪੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ ਘੱਟ ਸੀ ਉਹ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਾਤੇ ਸੀ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਆਏ ਸੀ ਮੈਗੀ ਮਸਾਲਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਗੀ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਊਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਪਾਊਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਰ 12 pouch ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੈਜੂਅਲ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਊਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਗੀ ਮਸਾਲਾ ਟੇਸਟ ਲਈ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆਪਣੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਰੈਡੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੰਮੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਰ ਮੇਰਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੂਜ਼ੋ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਅਮਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬੰਨਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਲੂਗਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਿਰੂਗੀ ਹੁਣ ਗਿਰੂਗੀ ਹੁਣ ਗਿਰੂਗੀ ਫਿਰ ਕਹੂਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਗ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਪਲ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮਾਣਕੀ ਉਹੀ ਪਾ ਕੇ ਘਰ ਫਿਰ ਰਹੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਚੱਪਲ ਘਰੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਚੱਪਲ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਚੱਪਲ ਪਾ ਕੇ ਆਓ ਇੰਨੀ ਅਕਲਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚਲੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਂਟੀ ਧੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਫਾ ਚਲੋ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਫਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਟੂਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੂਟੀ ਜਿਵੇਂ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਕਮੈਟੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲਾਈਕ ਫ੍ਰੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਤਨ ਧੋਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਚਲੋ ਵਾਸਤੂ ਟਿਪ ਲਾ ਲਓ ਵਾਸਤੂ ਟਿਪ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਨ ਚੰਦਰਮਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਪਸ ਦਿੰਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੂੰਗੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੌਗ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੋ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰ ਧਰ ਕੇ ਭੁੱਲੋ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਲੀ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਨਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰ ਧਰ ਭੁੱਲੋ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੈਂ ਸੇਮ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।